सोलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आपके लिए वीवो का Y36 का अनबॉक्सिंग वीडियो। और ये फ़ोन काफ़ी अच्छा अपने प्राइस में आया हुआ है और क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं वो सब सारा चीज़ आपको हम बताएंगे। अगर वीडियो में आप मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो बिना किसी तरीके का अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों। एक और बात, यह अपने अपने लिए फ़ोन आप 15 से 20 हज़ार तक का फ़ोन लेना चाहते हैं, ये फ़ोन आपके लिए है नहीं, वो सारा चीज़ आपको हम बताएंगे दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारे हाथ में वीवो का Y36 का डब्बा, जो कि इस प्रकार का आपको डब्बा दिया हुआ है। कलर पे आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है क्या मॉडल क्या क्या होने वाला है, आपको यहाँ पे सब दिख रहा है दोस्तों। पीछे के साइड में कुछ की हाईलाइट पॉइंट है, जैसे कि आपको 6.64 इंच का फुल एचडी प्लस का 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले होने वाला है। 5000 mAh की बैटरी, 44 वाट का चार्जर, एक्सटेंडेड रैम का फीचर सबको मिल जाता है। 50 MP AI का कैमरा है और 8 GB में 128 GB इंटरनल है। कलर है मेटियोराइट ब्लैक। तो बिना किसी देरी का जो दोस्तों फर्स्ट पहले बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। फ़ोन को थोड़ा देर के लिए साइड में रखते हैं दोस्तों और बॉक्स कंटेंट क्या क्या है वो हम बताते हैं दोस्तों। जो कि है बैक कवर, जो कि सिल्कन बैक कवर है, सॉफ्ट बैक कवर है, ट्रांसपेरेंट टाइप का, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है इसका। ये रहा हमारा मैनुअल की, मैनुअल गार्ड। ये टाइप ए टू टाइप सी केबल आपको मिल जाता है। और ये रहा हमारा दोस्तों बॉक्स के अंदर फ्लैश चार्जर, जो कि 44 वाट का फास्ट चार्जर आपको सपोर्ट करता है दोस्तों। ये टाइप सी के आपको इसमें कनेक्टर के लिए कनेक्ट दिया हुआ है दोस्तों। तो बॉक्स कंटेंट इतना ही दोस्तों, सबको हम लोग साइड में रखते हैं। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा मॉडल की तरफ वीवो Y36, जिसका लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी प्यारा लग रहा है दोस्तों। देखने में काफ़ी लुक डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। डुअल कैमरा का सेटअप आपको दिया हुआ है और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दोस्तों आपको स्पेक्टिकल्स लेंस, हाई रेजोल्यूशन वाला मतलब हाई ग्राफिक्स वाला कैमरा आपको क्वालिटी मिल जाता है। लुक एंड डिज़ाइन की बात करें दोस्तों तो काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है, एंड फील आपको मिल जाता है। बॉक्सी डिज़ाइन आपको मिल जाता है दोस्तों फ्लैट फ्रेम के साथ। ऊपर के साइड में फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर आपका सिम ट्रे मिल जाता है, 2 सिम प्लस हम मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं दोस्तों लेफ्ट साइड में कुछ में। राइट हैंड साइड में आपको पावर बटन मिल जाता है दोस्तों और यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन का आपको बटन मिल जाता है। नीचे की साइड में आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट के साथ स्पीकर ग्रिल मिल जाता है और यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों आपको हेडफोन लगाने के लिए हेडफोन जैक। फ़ोन को जल्दी से ऑन कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसको ऑन करके सेटअप भी कर लिया है। जल्दी से इसका फीचर्स वगैरह बताते हैं दोस्तों। पहले ब्राइटनेस इसका फुल कर दें। डिस्प्ले की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस का IPS स्क्रीन मिल जाता है। 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा होने वाला है दोस्तों। और आपको बेजल्स लेकिन ऑन एवरेज टाइप का आपको इसमें बेजल दिए, थोड़े से मोटे बेजल्स आपको दिए हुए हैं साइड बाई साइड में। और ये आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आ जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले है। 90 हर्ट्ज़ का स्मूथ डिस्प्ले आपको मिल जाता है, जो कि स्क्रोलिंग के टाइम आपको जनरली यूज़ करने में कोई ज़्यादा आपको फ्लैग फ्री आपको महसूस होगा दोस्तों। प्लस हार्डवेयर पार्ट्स की बात करें तो कंपनी ने इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया हुआ है वो है स्नैपड्रैगन का 680 का प्रोसेसर, जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस्ड आपको काम करता है। क्लॉक स्पीड की बात करें तो 2.4 GHz का क्लॉक स्पीड आपको मिल जाता है। रैम रोम की बात करते इसमें 8 GB पहले से और 8 GB बढ़ा सकते हैं, तो टोटल 8+8 16 GB हो जाता है। 128 GB इंटरनल सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको आ जाता है दोस्तों। तो हार्डवेयर पार्ट्स काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो प्रोसेसर दिया है ये कि 4G प्रोसेसर, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि ये फ़ोन Y36 4G फ़ोन होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। जो कि आपको 15 से 20 हज़ार के रेंज में आता है, प्राइस हम आपको लास्ट में बताएंगे। माइनस पॉइंट यहाँ है दोस्तों कि ये 4G है, 5G रहता तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर फीचर्स अच्छा है दोस्तों, सुन लीजिए, क्योंकि 5G 4G में सिर्फ नेटवर्क स्पीड का ही फ़र्क होने वाला, ज़्यादा नहीं। क्योंकि 5G वाला फ़ोन को कंपेयर कीजिएगा 4G वाला फ़ोन से, तो फीचर्स आपको 4G वाला फ़ोन में ज़्यादा मिलेगा, इसलिए आपको ये वीडियो हमने बनाया है। और ये रहा हार्डवेयर पार्ट्स, आप प्रोसेसर हमने आपको बता दिया दोस्तों। अब बढ़ते हैं इसके कैमरा क्वालिटी की तरफ। तब कंपनी ने इसमें आपको बैक कैमरा में 50 MP का AI कैमरा दिया हुआ है। कुछ सैंपल्स हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों खींच के। ये दोस्तों देख लीजिए, 50 MP पर नहीं, ये नॉर्मल MP पर खींचा हुआ है। तो कैमरा का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कैमरा वीवो कैमरा पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है।
हम डायरेक्ट इसका 50 मेगापिक्सल पे फोटो खींच के दिखाएंगे, जो कि यहाँ पे जाने के बाद आपको डिटेलिंग दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 50 मेगापिक्सल के जूमिंग करने पर आपको जूमिंग का कैपेसिटी काफ़ी अच्छा मिल रहा है दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो वीडियो क्वालिटी कैमरा का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, 50 मेगापिक्सल के हिसाब से रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है। और इसमें जो कैमरा क्वालिटी है जो फ्रंट कैमरा का है वो जो है फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का AI कैमरा मिल जाता है, जो जिसपे आपको कैमरा का क्वालिटी वाकई में दोस्तों बहुत अच्छा है। एज टू एज दिया हुआ है आपको, और बैकग्राउंड में आपको जो भी आपको लाइट वगैरह आते हैं बैकग्राउंड में, आपको HDR मोड में आप उसको खींच सकते हैं। जब बैकग्राउंड को आपको देख लीजिए कि बैकग्राउंड में कितना लाइट है, फ़ोटो खींचने के बाद आपको ये लाइट को ये रिफ्लेक्शन से रोकता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें दोस्तों, तो फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरा में आपको 1080p में 30 पीस का वीडियो का सपोर्ट मिल जाता है। बैक कैमरा का भी आपको दिखा देते हैं। एक चीज़ अच्छा है दोस्तों, इसमें 720 में 60 पीस में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कि वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम फ़ोन के मूवमेंट के टाइम वीडियो का फ्रेम रेट काफ़ी हाई रहेगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। मोड ऑप्शन में जाने के बाद 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, स्लो मोशन मिल जाता है, डुअल एक्सपोजर लाइव फोटोज वगैरह का आपको सपोर्ट मिल जाता है। और इसमें पोर्ट्रेट मोड फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरा में आपको दिया हुआ दोस्तों, प्लस इसमें नाइट मोड फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरा आपको मिल जाता है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एक और बात, इसमें 5 mAh का बैटरी मिल जाता है दोस्तों, और इसमें 44 वाट का फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है, यानी कि मोर देन आपको आधा से पौन घंटे में फ़ोन फुल्ली चार्ज कर देगा। बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि 4G फ़ोन में बैटरी बैकअप का कोई इशू नहीं चल रहा है, कि ध्यान रखिएगा अंडर 20,000 के रेंज में कोई भी अगर 5G फ़ोन लेने जा रहे हैं दोस्तों, तो बैटरी बैकअप और फीचर्स में कट आउट होने वाला है। ये कंपनी ने वीवो ने हाल ही में लॉन्च किया है मॉडल, फिर भी 4G लॉन्च किया है। ये क्यों इसलिए लॉन्च किया, क्योंकि इसमें फीचर्स आपको कंपेयर टू 5G वाला फ़ोन से आपको ज़्यादा मिलता है दोस्तों। तो मुझे तो पर्सनली फ़ोन अच्छा लगा, 5G होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और फ़ोन कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स जरूर बताएगा। वीडियो फ़ोन ये परचेस करना चाहते हैं तो आप इसको जरूर ऑफलाइन में जा कर के परचेस करें, क्योंकि ऑफलाइन में मोटा मोटी ये 17,999 के प्राइस में रेंज में आपको आया हुआ है। डिस्काउंट करके बिना कार्ड का आपको मोटा मोटी 16,000 में आपको 1,000 का डिस्काउंट आपको ऑफलाइन मिल जाएगा दोस्तों, बिना कार्ड का। तो आप ये परचेस कीजिए, तो जरूर ऑफलाइन में परचेस कीजिए, तो आपको 1,000 का डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।